5:30 बज के सो गई। तो दोस्तों आज बहुत दिनों बाद लाइव आया हूँ, तो सो गई दोस्तों। आज मैं व्लॉग नहीं बना पाया तो इसलिए मैं लाइव आ गया। तो आज मुझे टाइम नहीं मिला भाई व्लॉग बनाने का, तो इसलिए मैं लाइव आ गया। तो जो भी लाइव से जुड़ना चाहता है तो ज़रूर आए, लाइव में आपका स्वागत है। तो दोस्तों गर्मी का तो बुरा हो चुका भाई, गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मैं इस टाइम बैठता हूँ पार्क के अंदर, शाम को मैं पार्क में आ जाता हूँ, तो दिखाता हूँ आपको। बच्चे खेल रहे पार्क में, ये बूढ़े लोग अपना ताश खेल रहे। तो बच्चे खेल रहे हैं भाई, शाम का सीजन है तो शाम को इस पार्क में भीड़ हो जाती है। पार्क का नाम है छोटू राम पार्क। मैं शाम को कहीं जगह आता हूँ इधर घूमने के लिए इधर, तो आज ब्लॉग नहीं पाया था वो इसलिए मैं लाइव आ गया था। तो लाइव से जल्दी जितने भी जुड़ना चाहें तो जुड़े, जल्दी जुड़े जुड़े बातें करें, बातें शेयर करें। तो आपका लाइव में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और कमेंट करके जो होता है ना, कौन सी स्टेट से बात करें तो मुझे भी पता चल ना मेरे फैन कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं। तो कमेंट करके जो होता है ना दोस्तों, कौन सी स्टेट से बात कर रहा है। आज मैं बहुत दिनों बाद लाइव आया हूँ दोस्तों। जितना भी उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइव में जुड़े, बातें करें, क्वेश्चन करें, हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों नेट भी ख़त्म होने वाला है मेरा भाई, ख़त्म ही हो चुका लग गया। आजा कैसा भाई, पी ले इसने दाप कल पर लिखा वो कर रहे बाना पकड़ा हमें। लाइव से तो कुछ जुड़ा नहीं हुआ भाई, ले आओ भाई, बोल ले आओ।
क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो कैसी लगती है यूट्यूब चैनल पे। मैं ब्लॉग डालता ही रहता हूँ, मैं डेली ब्लॉग डालता हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन डालता ही रहता हूँ। तो वॉच टाइम तो बिल्कुल कंप्लीट नहीं होगा भाई दोस्तों, वीडियो डालने का मन भी नहीं करता दोस्तों। क्या आप वीडियो देखते ही हैं तो कैसे चलेगा, और कहाँ मन करेगा वीडियो डालने का भाई। तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट किया करो, लाइक किया करो, शेयर किया, जो तो आपको कहाँ दिक्कत लगती है वीडियो तो कमेंट करके जरूर बताया करो दोस्तों, है ना दोस्तों। तो जो भी मेरे लाइफ से जुड़ा है उसका बहुत बहुत स्वागत है भाई लाइफ में। अपना क्वेश्चन बताते रहा करो, सपोर्ट किया करो दोस्तों। हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, मेहनत करते हैं भाई, बहुत ज़्यादा बहुत एफर्ट लगता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत अपलोडिंग करने में बहुत टाइम लगता है भाई। कोई लाइव से जुड़ा ही नहीं हुआ भाई, तीन चार बंदे जुड़े ही जाएगा लाइव में। बच्चे खेल रहे हैं भाई, दिखाते हैं बूढ़े लोग खेल रहे हैं, पांच मनोरंजन कह रहे हैं अपना भाई, मिल सकते हो इतना आराम से यार। अपना मनोरंजन कर रहे हैं, अपनी लाइफ जी चुके हैं भाई, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लिखा कर नौकरी पे कर दिया है, अपना मनोरंजन कर रहे हैं। मैं पास कर लिखे देख लो, उनका रोज़ का ही काम होगा, नौ दस बजे आ जाते हैं, दो बजे तक खेलते हैं, फिर खाना खुना खा के फिर आ जाते हैं। और क्या करें भाई, तो से खेलते हैं पार्क में बैठ बैठ के। चलो छोड़ा इनको, तो वैसे ताश खेलना बहुत बुरी बात है, तो घूम फिर लो, बातें करो, ताश तो यार जुआ का खेल है। मेरे बच्चे खेल रहे आराम से, भाई गर्मी बहुत हो चुकी है भाई दोस्तों, गर्मी बहुत हो चुकी है भाई, गर्मी से बच के रहना भाई। अभी नवरात्र भी शुरू हो चुके हैं, दूसरा नवरात्र भाई, तो नवरात्र में प्लीज़ मीट चिकन क्या नाम है लहसुन और प्याज का यूज मत करना भाई, माता का जो मानता है तो जरूर करना, ये हम तो मानते हैं भाई, कभी बोलोगा मैं तो वो मानने या न मानने तो वो अलग बात है, मेरा तो कहने का फर्ज था। मोदी मत हैं बस, इनको थोड़ा ध्यान से शुभ काम शुरू करना चाहिए, कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, कोई ठग गया तो काम तो करना ही चाहिए, बिल्कुल नहीं। माता रानी के हो चुके हैं नवरात्र, चल लो शुभ दिन, तो उस दिन माता को लोग बहुत पूछते हैं भाई, बहुत ज़्यादा। कई लोग शराब भी पीते हैं, तो शराब मत पिया करो भाई, दारू मत पिया करो, ये गलत बात है, अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों मैं दो तीन दिन पहले ना वहाँ पिया था दिल्ली, तो मैंने ब्लॉग भी डाला था उसका, क्या बोलते हैं, हुमायूं का मकबरा गया था मैं, बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा लगा था जगह पे। और मैं गया था एक दिल्ली शीशगंज गुरुद्वारे के पास, एक नया मॉल खुला है, तो वहाँ पे भी गया था, बहुत अच्छा मॉल है, मतलब शुरू सेटअप तैयार कर रखा है, मतलब मैंने इसका ब्लॉग भी डाला था, वो मैक्स के नाम पे है, तो वहाँ पे आप ब्लॉग भी चेक कर सकते हो, बहुत अच्छा बना रखा भाई मॉल, बहुत बड़ा मॉल है, मतलब खाने पीने का सामान ज़्यादा है, शॉपिंग का सामान अभी रखा नहीं हुआ शायद, मतलब कपड़े कपड़े का थोड़ा ही है अभी रखे नहीं, शायद खाने पीने का काम तो स्टार्ट कर रखा, ऊपर तीन तीन फ्लोर बना रखे, तीसरे फ्लोर पे खाने का बहुत अच्छा भाई बना रखा हूँ मैक्स। और मैंने इसका पूरी डिटेल दे दी थी,
तो चांदी चौक के पास में है, शीशगंज के दुआई के सामने है, बहुत बड़ा मॉल है, बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखी थी मैक्स के नाम पे, बहुत अच्छा लगा मुझे जाकर भाई। खरीदारी तो कुछ नहीं करीब, इतना महंगा होगा मेरे पास, इतना बेहतर नहीं है भाई, इतना अगर पैसे नहीं आए तो मैं इतना खर्च खर्च कर उसके, बस वैसे दिखाने देखने के लिए गया था मैं आपको दिखाने के लिए, तो मुझे तो अच्छा लगा भाई, फैमिली टूर के लिए बहुत अच्छा है भाई, साफ सुथरा भी है, अंदर से सफाई भी होता है, अच्छा लगा मुझे जाकर भाई। आप भी जरूर जाना, ये चांदनी चौक और दिल्ली के स्टेशन के पास में है, उमैक्स का, उमैक्स के नाम पर है मॉल है ये, शीशगंज की दुआई के जस्ट सामने ही है। तो मैं वीडियो डालता ही रहता हूँ दोस्तों, मैं मुझे ज़्यादातर पुरानी चीज़ सभ्यता के बारे में जानना और दिखाना बहुत अच्छा लगता है भाई, वीडियो बनाना मेरा ड्रीम है, मैं यूट्यूब भी अच्छा यूट्यूबर बनना चाहता हूँ भाई, मुझे तो दो ढाई साल हो गए भाई यूट्यूब बनाते हुए, वीडियो बनाते हुए, मतलब मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ भाई, देख लो कितने कमाल की बात है, वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ भाई, लोग देखते नहीं वीडियो, स्किप करके देखते हैं बस, लाइक करके चले जाते हैं, क्या फ़ायदा भाई वीडियो, जब तक पूरी वीडियो नहीं देखोगे तब तक क्या फ़ायदा भाई, कभी मन दुखी हो जाता है वीडियो बनाने का, बिल्कुल भी मन नहीं करता भाई दोस्तों, इसलिए प्लीज़ सपोर्ट किया करो दोस्तों, मुझे भी सबको भी किया करो भाई, कमेंट करके बताएगा कैसी लगती है वीडियो, बहुत एफर्ट लगता है, बहुत दिमाग खर्च करना पड़ता है भाई, बहुत एडिटिंग करनी पड़ती है, कितना कितना नेट फूक जाता है, कितने पैसे खर्च होते हैं भाई, बहुत ज़्यादा, इसलिए दोस्तों सपोर्ट किया करो। और मेरा चैनल का नाम पता ही आपको, इंदर फिशिंग ब्लॉग, तो मैं वीडियो में डालता ही रहता हूँ भाई, पता नहीं कैसी लगती है वीडियो लोगों को, पता नहीं कमेंट करके उन्हें बताते कैसी लगती है वीडियो, हाँ मानता हूँ भाई मेरा कैमरा फ़ोन में बनाता हूँ भाई, अभी क्या करें, टूटा फूटा फोन लेकर जैसे भी बनाने की कोशिश करते हैं, मेहनत कर रहे हैं भाई, क्या करें, पता नहीं लोग बकवास बकवास वीडियो पर इतने लोगों को मिलने मिलने आ जाते हैं, हमारे में तो भाई 50-60 कभी 20-30 100 सूप हो जाते ही नहीं भी हो भाई, कभी कभी बात करने का मन ही नहीं करता, वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता भाई, कितना पैसा लगता है, कितनी टिकटें खर्च होती है, कितना पैसा लगता है भाई आने जाने में, आपको पता ही है, तो इसलिए उसके ध्यान में रख के दोस्तों प्लीज़ वीडियो को पूरा लाइक किया करो, शेयर किया करो, कमेंट करके भी बताया करो दोस्तों कैसी लगती है वीडियो। चलो फिर दोस्तों अगली वीडियो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जगह के साथ, तो इजाज़त दो, हाँ दोस्तों सपोर्ट भी करना दोस्तों, बाय बाय।